हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीहू एंड रुद्रा कॉर्नर। आज मैं शेयर कर रही हूँ यूकेजी क्लास इंग्लिश टेस्ट पेपर। और इस टेस्ट पेपर को बच्चों के जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो हाफ ईयरली हो, फिर आगे अभी एनुअल आएंगे, तो ये इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जो बच्चों को हमेशा हमें प्रैक्टिस कराते रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वन है, यहाँ पर राइट थ्री वर्ड्स बिगिनिंग विद द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, बच्चों को यहाँ पर वर्ड्स लिखने हैं, थ्री वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि ए है, तो ए से स्टार्ट होने वाले थ्री वर्ड्स क्या हो सकते हैं? एंट, एरोप्लेन एंड एप्पल। नेक्स्ट लेटर लिया है हमने यहाँ पर के, तो के से स्टार्ट होने वाले कौन से वर्ड्स होते हैं? के फॉर काइट, के फॉर किंग एंड के फॉर कैंगारू। तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस आप बार बार कराइए ताकि बच्चों की इससे वोकैब अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल अप द मिसिंग बॉबल्स। यहाँ पर कुछ बॉबल्स मिस हैं, वो यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है के डैश टी, के आई टी किट, बी यू एन बन, सी ए पी कैप, बी ओ एक्स बॉक्स, एन ई टी नेट। तो इस टाइप से हमें बच्चों को वॉवल की प्रैक्टिस करानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट ए और एन बिफोर फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चों को इनके आगे ए और एन का यूज़ करना है। तो ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं, बच्चों को हम ये यू के जी क्लास में बताते हैं। तो ए का यूज़ हम करते हैं ए प्लस कॉन्सोनेंट एंड एन प्लस वॉवल। ए हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ और एन का यूज़ हम करते हैं वॉवल के साथ। जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, और जो भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड दिया है हमें कार, तो कार किससे स्टार्ट होता है? सी क्या है? हमारे एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर आ का यूज़ करेंगे, अ कार। एन एरोप्लेन, क्योंकि ए क्या है? हमारा वॉवल है। अ पैरट, अ बेबी, अ टमेटो, एन इग्लू, क्योंकि आई हमारे यहाँ पे क्या है? वॉवल है। एन ऑरेंज, अ डॉग एंड इंक पॉट। तो इस तरह से आपको बच्चों को बताना है जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है, जो भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर हमें एन का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन ए और एन का ही यहाँ पर बच्चों को यूज़ करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर दिए हैं कुछ सेंटेंसेस जो बच्चे को कम्प्लीट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है दिस इज डैस एलिफेंट, तो एलिफेंट दिया है, तो ई क्या है? हमारे यहाँ पर वॉवल है, तो वॉवल के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? अ का यूज़ करेंगे या फिर एन का? तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। नेक्स्ट वन दिस डैस डैस बॉय, दिस इज अ, दिस इज अ बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे डैश 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 एप्पल, दिस इज एन एप्पल। तो इस तरह से आप बच्चों को जो भी सेंटेंसेस है वो कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं, बच्चे से सेंटेंस भी फॉर्म करना सीखते हैं और साथ में ए और एन का यूज़ भी यहाँ पर सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन एंड मैनी वर्ड्स फॉर गिवन पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है, बच्चों को वन एंड मैनी का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर ट्री है, तो ट्री क्या है? वन ट्री है, तो हमें क्या लिखना है? ट्री, टी आर डबल ई ट्री। अब यहाँ पर मोर देन वन ट्री है, मीन्स मैनी ट्रीज हैं, तो हमें क्या लिखना है? ट्रीज, टी आर डबल ई एस। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? एस। बच्चों को हम इस तरह से भी बता सकते हैं टी आर डबल ई प्लस एस, ट्रीज। नेक्स्ट वन कार है, तो हम क्या लिखेंगे? कार। एंड मोर देन वन है, मीन्स मैनी है, तो हम क्या लिखेंगे? कार्स, सी ए आर प्लस एस, कार्स। तो इस तरह से भी हम बच्चों को सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पर कुछ अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, तो यूकेजी क्लास में कुछ अपोजिट वर्ड्स बच्चों को लर्न कराए जाते हैं, कुछ सिंपल से अपोजिट वर्ड्स होते हैं। साथ में आप यहाँ पर पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। पिक्चर ड्रॉ की हुई जो वर्कशीट्स है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक आई बटन पर दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि बिग, तो बिग का अपोजिट क्या होता है, स्मॉल। गुड, गुड का अपोजिट होता है बैड। यंग, ओल्ड। अप, डाउन। गो, कम। टॉल का अपोजिट होता है शॉर्ट। क्वेश्चन दिया है रीअरेंज दीज वर्ड्स। यहाँ पर कुछ थ्री लेटर वर्ड्स दिए हैं, फोर लेटर वर्ड्स दिए हैं, बच्चों को इन्हें रीअरेंज करना है, एक वर्ड फॉर्म करना है। जैसे कि पहला दिया है यहाँ पर, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, रेट, आर आर ए टी, रेट। नेक्स्ट दिया है बी ए जी, बी ए जी, बैग। नेक्स्ट वन इज पी ए एन, पैन। नेक्स्ट देखेंगे बी ओ एक्स, बॉक्स। नेक्स्ट है एफ आई एस एच, फिश, एफ आई एस एच, फिश। नेक्स्ट वन इज फ्रॉग, एफ आर ओ जी, एफ आर ओ जी, फ्रॉग। तो इस टाइप से आप बच्चों को वर्ड्स रीअरेंज करने के लिए दे सकते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके राइमिंग वर्ड्स बच्चों को लिखने हैं। जैसे कि पहला दिया है कॉट, तो कॉट का राइम क्या होगा, डॉट एंड पॉट। डिग, डिग का राइम क्या होगा, बिग और फिग। बैग, बैग का राइम होगा टैग एंड वैग। नेक्स्ट वन इज मग, मग का राइम होगा रग और जग। तो इस टाइप से आप बच्चों को राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है, इनके नेम बच्चों को यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहा है लॉग, एल ओ जी, लॉग। फिश, एफ आई एस एच, फिश। एंड दिस वन इज नेस्ट, एन ई एस टी, नेस्ट। तो इस टाइप से आप बच्चों को पिक्चर्स ड्रॉ करके दे सकते हैं और उनके नेम्स लिखने के लिए दे सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द वर्ड्स एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर एक चेकरबोर्ड दिया गया है, बच्चों को यहाँ पर जो भी वर्ड्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, फॉर्म करने हैं और जो स्पेस दिया गया है यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट जो वर्ड है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ और यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख कर दूँगी। इसके अलावा भी कई सारे वर्ड्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, वो आपको बच्चों को यहाँ पर कहना है बनाने के लिए। और इसके बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने क्या क्या वर्ड्स यहाँ पर फॉर्म किए हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर है नेस्ट, तो इसको हम यहाँ पर सर्कल कर लेंगे और लिख देंगे एन ई एस टी, नेस्ट। नेक्स्ट वन हैन, एच ई एन, हैन। टिन, टी आई एन, टिन। शॉप, एस एच ओ पी, शॉप। एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। अब इसके बाद भी कई सारे वर्ड्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, तो बच्चों को आपको इसको केयरफुली देखने के लिए बोलना है और फिर उसके बाद जो भी बच्चों को लगता है कि हाँ ये वर्ड फॉर्म होगा वो यहाँ पर लिखने के लिए बोलना है। और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आपको करना है कि कौन सा आंसर आपने यहाँ पर, कौन सा वर्ड यहाँ पर फॉर्म किया है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग वर्कशीट को देखते हैं और जो भी मैं होमवर्क देती हूँ वो आप करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एप्पल के बाद यहाँ पर बनने वाला है रैट और बनेगा फ्लैग, और इसके बाद के जो वर्ड हैं वो आपको खुद से फॉर्म करने हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट कैसी लगी, आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही यूकेजी क्लास इंग्लिश की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चों के जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।